जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो, आज का जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये पोइशा में गुजरात का मंदिर है। इसको नीलकंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने सुंदर हाथियों से यहाँ पे स्वागत के लिए मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बेसिकली हाथी की मूर्तियाँ हैं स्वागत के लिए। स्वामी नारायण जी का ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर बनाया गया है। एंट्री करते ही आप देखेंगे कुछ मूर्तियाँ, और साइड में आपको विष्णु जी भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी, कृष्णा जी, यहाँ पे माता जी सेव के साथ। और ये देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया है, लगता है कि जैसे कि भगवान स्वयं हमें दर्शन दे रहे हैं इसमें। और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। स्वामी नारायण जी, कृष्णा जी, भगवान विष्णु जी का दर्शन करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये प्रसाद एरिया अच्छा और स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। ये गार्डन एरिया का है कुछ लुक, इतना सुंदर मंदिर है। जहाँ देखिए साफ सफाई होती है वहीं भगवान जी का वास होता है। तो ये मंदिर उन सब चीज़ों को सोच के बनाया गया है। आपको कुछ कुछ ये लगेगा कि जैसे कि किसी साउथ का मंदिर है, लेकिन नहीं, ये गुजरात में पोइशा मंदिर श्री स्वामी नारायण जी का मंदिर है। इसको नीलकंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इसका एरिया देखिए इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। एक दिन में आप इसको पूरा घूम पाएंगे, पूरा एक दिन तो आपको लगी जाने वाला। हर एक मूर्ति को इतने अच्छे से तराशा गया है, श्री स्वामी नारायण जी की प्रतिमा को, उनके हर रूप को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। अभी देख रहे हैं आप राधा कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं, जो वो श्री राधा जी के साथ ही करते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर, गार्डन एरिया तो बहुत ही प्यारा और इतना सुंदर लगता है जैसे कि स्वयं भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। हर एक नारायण जी की मूर्ति को बहुत अच्छे से तराशा है, जैसे कि वो बोल उठेंगे अभी। आप यहाँ पूरी भक्ति के साथ जाइए तो आपको जैसे लगेगा कि आपको स्वयं भगवान दर्शन देने वाले हैं। और ये महादेव जी की मूर्ति शिलाओं पर, आपने कभी ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं देखी होगी, ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी की भी मूर्ति स्थापित है। ब्रह्मा जी किसी सृष्टि की रचयिता है, तो कुछ सोचकर ही इस मंदिर में इनकी मूर्ति को रखा गया है। बहुत ही सुंदर और प्यारे तरीके से हर चीज़ को अरेंज किया जाता है, पूरा स्टाफ है इसके पीछे, और ताकि भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो। महादेव जी की मूर्ति देखिए नृत्य करते हुए, और इनकी जटाओं से गंगा जी बह रही हैं, वो भी इतना सुंदर लगता है कि सब महादेव महाराज महादेव जी नृत्य कर रहे हैं। हर एक मंदिर में अलग अलग मूर्तियाँ हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर गायन होता है स्वामी नारायण जी का। ये देखिए स्वामी नारायण जी के आप दर्शन कर पा रहे हैं, मन को इतनी शांति मिलती है यहाँ जाके। आप कभी अकेले चिंताओं से दूर इस मंदिर में ज़रूर जाइए, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में ही पहुँच गए हैं, और सारी गलतियों की माफ़ी भगवान जी से मांगिए। इतना सुंदर महसूस होता है, इतना प्यारा। गुजरात का मंदिर है, गर्मी थोड़ी बहुत जो होती है, लेकिन आप यकीन मानिए गर्मी का एहसास आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए पहले कृष्णा जी की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के हर अवतार को वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। इनके सारे अवतार, वो परमानंद हो, नरसिम्हा हो, या फिर जो भी अवतार होते हैं, उनके सारे अवतारों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था, उस अवतार को भी दिखाया जाएगा। भगवान विष्णु का एक रूप है बुद्ध, और ये मोहिनी रूप। और भगवान विष्णु ने हर जो भी जन्म लिया, सारे उनके अवतार को हर एक मंदिर के ज़रिए यहाँ पे आपको बताया गया है। जो भी जीवन की आपकी कंफ्यूजन रही होगी, कितने अवतार हैं, क्या है, वो सब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दर्शाए जा रहे हैं। और हर मंदिर के बाहर ताला है,
ताकि कोई इसको छू ना पाए, गंदा ना कर पाए, और वो ज़रूरी भी है। और ये देखिए सारे अवतारों का हम कितने अच्छे ढंग से उनके दर्शन कर पा रहे हैं और उनको जान पा रहे हैं। ये श्री कल्कि अवतार कहते हैं कि इनका जन्म हो गया है या होने वाला है इसी युग में, उनको भी यहाँ पे दर्शा गया। और सबसे मेन अब हम इसमें एंट्री करते हैं भगवानों के भगवान श्री विष्णु जी महाराज, उनका दर्शन पाना मतलब दिल को बहुत बड़ा सुकून। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ विराजित है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से पूजा होती है, कोई हड़बड़ी नहीं। आप पंडित जी के साथ बैठिए, उनके अवतारों की बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। और ये नदी जो देख रहे हैं ये मन्नत की नदी है, यहाँ पे लोग सिक्का बैठते हैं। और यहाँ पे हमारे जो वेद है यजुर्वेद सामवेद उनका भी बड़ा अच्छे से ध्यान रख के बनाया गया। और अंत में हम देखते हैं श्री कृष्णा जी का बाल स्वरूप, उनको झूला झूलाते हुए भक्त बहुत ही अच्छे से आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, हर चीज़ को मैनेज किया गया है। ये कश्तकारी भी कितनी प्यारी है, छत का डिज़ाइन, श्री कृष्णा जी। और उसके बाद हम जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की बहुत प्यारी सी प्रतिमा देखने को मिलती है यहाँ पर। और श्री राम अपने भाई और माता सीता के साथ, और शिव जी के भी यहाँ बहुत प्यारे दर्शन हैं, माता नर्मदा। और ये एक लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पे इनकी परिक्रमा करते हैं, जो भी गौमुख से जो भी जल निकल रहा है उसको आपको अपने ऊपर इस तरह से फेंके कि आपके सारे पाप यहाँ दूर जाने वाले हैं। बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। ये बस हम लास्ट पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, ये परिक्रमा करने का मार्ग होता है। आपको कभी आप गुजरात में आइए, ज़रूर यहाँ पर परिक्रमा कर लीजिए। ऐसा लगेगा कि आपने मानो गंगा नहा ली है, बहुत ही अद्भुत आनंद। और एट लास्ट हम पहुँचते हैं स्वामी नारायण जी के दर्शन कर, स्वामी नारायण जी की आरती करने वाला हाथी। हाँ जी, यही हाथी है जो स्वामी नारायण जी की आरती में प्रस्तुत होता है, खुद उनकी आरती को करते हैं। और श्री कृष्णा जी के अद्भुत दर्शन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।